ये साथियों, वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लास में। तो आज हम देखेंगे जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 हम पढ़ रहे हैं, यानी इंडियन पेनल कोड 1860। अब इंडियन पेनल कोड में जो हमारी बात हो चुकी है वो हो चुकी है धारा 304 तक, यानी दहेज मृत्यु तक, दहेज हत्या तक हमारी बात हो चुकी है, जो कि कल के चैप्टर में हमने कराया था। अगर आप उसे पढ़ना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो वो वाला लेक्चर। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे धारा 305 से, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 305 आएगा। देखिए, IPC 1860, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे धारा 305 से, धारा 304 हो चुकी है, धारा 305 क्या कहती है। देखिए, साथ बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो लाइक करके जाइएगा जब वीडियो पे आ ही गए हो। तो देखिए, धारा 305 क्या कहती है। धारा 305 आपकी कहती है, देखिए कोई व्यक्ति जो पागल है, बच्चा है, बच्चा जो कि आ जाएगा आपका 18 वर्ष से कम, बच्चा जो आ जाएगा आपका 18 वर्ष से कम की आयु का होगा वो बच्चे की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा क्या क्या दे रखा है इसमें, इसके अलावा दे रखा है पागल व्यक्ति, देखिए पागल व्यक्ति और मत्तता, पागल व्यक्ति हो गया और आपका यह हो गया मत्तता की अवस्था में, मत्तता की अवस्था में अगर कोई कर लेता है, यानी कोई बच्चा जो कि 18 वर्ष से कम आयु का, पागल व्यक्ति, कोई मत्तता की अवस्था में अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, या आत्महत्या करने के लिए ऐसे व्यक्ति को, या व्यक्ति को उकसाता है, उकसाता है, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, 1 साल से लेकर आजीवन कारावास, 1 वर्ष से लेकर 1 कारावास की सजा उसे हो सकती है। किसको, जो कोई व्यक्ति बच्चे को जो कि 18 वर्ष से कम आयु का है, पागल व्यक्ति को, या कोई मत्तता की अवस्था में हो उस व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है, या वो आत्महत्या करता है, ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। धारा 305 ही हमारी बयां करती है, इंडियन पेनल कोड धारा 305, नोट कीजिएगा इसे। इससे आगे चलेंगे फिर धारा 306 पे।
चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। देखिए अब आ जाती है आपकी धारा 306। धारा 306 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण। देखिए समझिएगा, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, देखिए जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करेगा, दुष्प्रेरण का मतलब है उकसाना, यानी अगर आत्महत्या करेगा, जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करेगा उसे दस वर्ष के कारावास देखिए धारा 306 क्या कहती है? आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, यानी जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करेगा उसे 10 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से और दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 306 आपकी ये बयान करती है, नोट कीजिएगा इसे। अब आ जाती है आपकी धारा 307। धारा 307 क्या कहती है देखिएगा, धारा 307 कहती है जो कोई व्यक्ति देखिए धारा 307 क्या कहती है समझिएगा, धारा 307 कहती है जो व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा यानी उसके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि वो किसी व्यक्ति की मृत्यु को कारण बन जाए, यानी वो ऐसा कार्य करेगा, ऐसी सिचुएशन बन गई है उसके सामने कि वो ऐसा कार्य कर देता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होना तय है, यानी किसी थर्ड पर्सन की मृत्यु हो जाती है, तो वो धारा 307 की श्रेणी में आएगा और उसे कारण बन जाए तो उसे 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से। और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा,
ये कहती है आपकी धारा 307 आईपीसी की। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और कानून की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।